हेलो एवरीवन, मैं सूरज कुमार और हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा फ्रेंड्स कि टॉप 10 एप्लीकेशन के बारे में जो आप लोग के लिए बहुत फायदेमंद होगा। अगर आप लोग एक यूट्यूबर है फ्रेंड्स, तो यह टॉप 10 एप्लीकेशन आप लोग के फोन में होना जरूरी है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, साथ ही नॉलेजफुल है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं वीडियो का स्टार्ट करता हूँ। अगर फ्रेंड्स मेरे चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब से रिलेटेड इसी तरह का वीडियो इस चैनल पर मिलता रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग को टॉप 10 एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ कि क्या क्या है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तो वीडियो पर कंटिन्यू बने रही। तो पहला एप्लीकेशन है फ्रेंड्स मेरा यूट्यूब स्टूडियो, जो आप लोग बहुत सारे लोग यूज करते होंगे यूट्यूब स्टूडियो को। यूट्यूब स्टूडियो फ्रेंड्स हर फोन में होना चाहिए, हर यूट्यूबर के फोन में, क्योंकि फ्रेंड्स यूट्यूब स्टूडियो हम लोग का सारे शो करते हैं, चैनल एनालिटिक्स, वीडियो एनालिटिक्स, सब्सक्राइबर कितने गेन हुए इस मंथ, अर्निंग कितने हुए, और सबसे मेन बात यह है फ्रेंड्स कि इसमें थंबनेल लगाने का ऑप्शन मिलता है। अगर आप लोग यूट्यूब के एप्लीकेशन से वीडियो अपलोड करते तो वहाँ पर थंबनेल लगाने का ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन इस एप्लीकेशन से थंबनेल को आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग का या बताता है कि कितने ट्रैफिक सोर्स आ रहे हैं, इन डिस्क्रिप्शन से कितने व्यू जा रहे हैं, आई बटन से कितने क्लिक किए जा रहे हैं, और कितने ईयर के लड़के देख रहे हैं, ये सारे शो करता है हम लोग का यूट्यूब स्टूडियो। तो फ्रेंड्स यह एप्लीकेशन आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसको आप लोग इंस्टॉल करके रख लीजिएगा अपने फ़ोन में। दूसरा एप्लीकेशन यह है फ्रेंड्स मेरा टैग यू, जो आप लोग बहुत सारे यूज करते होंगे और बहुत लोग यूज़ भी नहीं करते हैं। तो टैग यू फ्रेंड्स एक एप्लीकेशन है जिससे आप लोग टाइटल तो लिख लेते हैं, लेकिन बहुत लोगों को वहाँ पर सुझाव नहीं मिलता है कि क्या क्या टैग लगाएं अपने YouTube के वीडियोज़ के टैग में। तो फ्रेंड्स टैग यू एक एप्लीकेशन है जिससे आप लोग प्ले स्टोर से आराम से जाके इंस्टॉल कर ले सकते हैं, अगर आप लोग के पास नहीं है तो। फ्रेंड्स टैग यू हम लोग को सजेस्ट करता है टैग, आप लोग सिंपली से वहाँ पर ओपन कर लेना, और वहाँ पर आप लोग किसी वीडियो का सिर्फ टाइटल लिखना है तो वहाँ पर बहुत सारे टैग आ जाएंगे। टैग आने के बाद फ्रेंड्स आप लोग जो जो टैग आप लोग को अच्छा लगेगा वहाँ से सिंपली सा कॉपी कर लेना और अपने यूट्यूब वीडियोज में लगा देना है। तो फ्रेंड्स आप लोग को टैग यू रखना है। दूसरा एप्लीकेशन, अगर आप लोग इसको कॉपी नहीं करना आता तो फ्रेंड्स मेरे वीडियो बना हुआ है ऑलरेडी, इस पे आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं टैग यू का। अब तीसरा एप्लीकेशन चलिए फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताता हूं। तो तीसरा एप्लीकेशन मेरा फ्रेंड्स काइन मास्टर, जो आप लोग बहुत लोग यूज करते हैं। अगर आप लोग एक फोन से वीडियो शूट करते हैं तो काइन मास्टर एक बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है जिससे आप लोग वीडियो एडिटिंग फुल ट्यूटोरियल कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स काइन मास्टर से आप स्लो मोशन, फास्ट मोशन, हाई जंप, लॉन्ग जंप, सारे बहुत सारे ट्रिपल एडिटिंग रोल बना सकते हैं, बहुत सारे आप एडिटिंग कर सकते हैं, इससे कॉमेडी वीडियो भी आराम से एडिटिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स काइन मास्टर तीसरा ऐप है। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ चौथा एप्लीकेशन फ्रेंड्स। तो चौथा एप्लीकेशन है मेरा पावर डायरेक्टर, जो पावर डायरेक्टर भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, जिसमें फ्रेंड्स उसमें भी वीडियो एडिटिंग काफ़ी लोग करते हैं जिससे, लेकिन पावर डायरेक्टर में यह है फ्रेंड्स कि क्रोमा की का ऑप्शन नहीं मिलता है, जो काइन मास्टर है उसमें काइन मास्टर में क्रोमा की का ऑप्शन मिल जाता है। चलिए फ्रेंड्स मैं आप लोग को पाँचवा एप्लीकेशन बताता हूँ। पाँचवा एप्लीकेशन है फ्रेंड्स AZ स्क्रीन रिकॉर्डर। AZ स्क्रीन रिकॉर्डर फ्रेंड्स या तो हर यूट्यूबर के फ़ोन में होना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स इससे काफ़ी अच्छा हाई क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्डिंग होता है, HD क्वालिटी में, जिससे मैं खुद यूज करता फ्रेंड्स स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता हूँ। बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाने पड़ते हैं जिसमें फ्रेंड्स स्क्रीन रिकॉर्डर करके दिखाना पड़ता है, तो उसमें आप लोग यूज कर सकते हैं AZ स्क्रीन रिकॉर्डर को, यह काफ़ी अच्छा है एप्लीकेशन, तो इसको आप लोग यूज कर सकते हैं। पांचवा एप्लीकेशन मैंने बताया फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आप लोग को छठा एप्लीकेशन बताता हूँ। तो छठा एप्लीकेशन है फ्रेंड्स मेरा पी कार्ड्स, जो पी कार्ड्स काफ़ी लोग थंबनेल बनाने के लिए यूज करते होंगे फ्रेंड्स, लेकिन मैं पी कार्ड्स से थंबनेल नहीं बनाता हूँ, जिससे आप लोग थंबनेल भी बना सकते हैं, लोगो भी बना सकते हैं पी कार्ड्स से। तो फ्रेंड्स आप लोग पी कार्ड्स यूज नहीं करते तो आप लोग इससे थंबनेल, लोगो, इससे आप लोग भी चैनल बैनर भी बहुत लोग बनाते हैं पी कार्ड से, काफ़ी अच्छा में चैनल बैनर, लोगो और थंबनेल भी बनता है। अब चलिए फ्रेंड्स मैं आप लोग को सातवां एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ। तो सातवां एप्लीकेशन फ्रेंड्स मेरा पिक्चर लैब, जो बहुत बड़े बड़े लोग यूज करते हैं थंबनेल बनाने में, और इसमें फ्रेंड्स हाई क्वालिटी का थंबनेल बनता है, हाई रेजुलेशन में, पूरा HD क्वालिटी में, और इसमें अच्छे अच्छे फॉन्ट भी मिलते हैं और टेक्स्ट भी। तो फ्रेंड्स आप लोग पिक्चर लैब थंबनेल बनाने के लिए परफेक्ट एप्लीकेशन, इससे आप लोग थंबनेल बना सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स मैं आप लोग को आठवां एप्लीकेशन बताता हूँ। तो आठवां एप्लीकेशन है फ्रेंड्स मेरा TubeBuddy। TubeBuddy एक एप्लीकेशन है फ्रेंड्स जिससे हम लोग को वह सजेस्ट करता है कि आप यूट्यूब में अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं। जैसे फ्रेंड्स हम लोग किसी वीडियो का टाइटल लगाते हैं, टैग लगाते हैं, डिस्क्रिप्शन लगाते हैं, तो यह फ्रेंड्स यह एप्लीकेशन हम लोग को वहाँ पर गाइड करता है कि आप लोग अच्छे से काम कर रहे हो कि नहीं। अगर फ्रेंड्स आप लोग टाइटल अच्छा से नहीं लगाते तो यह एप्लीकेशन बता देता है, वहाँ पर रॉन्ग लिख देता है, वहाँ पर रॉन्ग का निशान आ जाता है थंबनेल में। अगर आप लोग अच्छे से नहीं लगा रहे तो वहाँ पर भी रॉन्ग का थंबनेल का में निशान कर देता है। तो फ्रेंड्स हम लोग का आठवां एप्लीकेशन है TubeBuddy, जो हम लोग को काफ़ी मदद करता है हम लोग को यूट्यूब में काम करने का। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आप लोग को नौवां एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ।
तो नवा एप्लीकेशन है फ्रेंड्स मेरा ओपन कैमरा, जो अगर आप लोग एक यूट्यूबर हो फ्रेंड्स तो आप लोग एक फ़ोन से वीडियो शूट करते हैं तो ओपन कैमरा रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्रेंड्स या जो आप लोग वो वाला माइक देख रहे हैं यह सिर्फ ओपन कैमरा में सपोर्ट करता है। अगर आप लोग एक नॉर्मल फ़ोन में अगर वो वाला माइक को कनेक्ट कर गए हैं तो उसमें फ़ोन में कनेक्ट नहीं होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग ओपन कैमरा में यह खासियत है कि फ्रेंड्स वहाँ पर फ्रेम रेट, बिट रेट और रेजुलेशन और HD क्वालिटी में वीडियो बनता है, इसमें सब सेट करने का ऑप्शन मिलता है। और जो नॉर्मल फ़ोन के कैमरा में है तो उसमें बिट रेट, फ्रेम रेट, रेजुलेशन सेट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आप लोग को अब दसवां एप्लीकेशन लास्ट एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ, तो वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। दसवां एप्लीकेशन है सोशल ब्लेड, जिसमें आप लोग फ्रेंड्स अपने यूट्यूब चैनल का चैनल एनालिटिक्स चेक कर सकते हैं और इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, ट्विटर का भी एनालिटिक्स चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने आप लोग का दसवां एप्लीकेशन भी बताया जिससे आप लोग चैनल का चैनल एनालिटिक्स चेक कर सकते हैं इंस्टाग्राम, लेकिन फ्रेंड्स मैं यूट्यूब चैनल को चेक करता हूँ एनालिटिक्स को और इंस्टाग्राम को। तो फ्रेंड्स मैंने आप लोग को टॉप 10 एप्लीकेशन के बारे में बता दिया जो आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, आप लोग के स्मार्टफोन में होना चाहिए अगर आप लोग एक न्यू यूट्यूबर हो चाहे पुराने यूट्यूबर। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं, यूजर नेम सूरज महतो 23, या लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।